गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और टाइम हो चुका है 11 बजे का और मेरे घर का सारा काम हो चुका है। नहाने धोने का कपड़ा भी धो चुकी हूँ मैं। और अब देखते हैं, खाना बनाने की सोचते हैं, तो उनसे पहले कुछ ठंडा ठंडा बना लिया जाए और पी लिया जाए, उसके बाद में थोड़ा खाना अच्छे से बन जाएगा, नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। इतनी गर्मी में खाना बनाना बहुत मुश्किल होता है, पर क्या करें, खाना खाना है तो बनाना तो पड़ेगा। मैं बाहर वाले कमरे में आ चुकी हूँ और बाहर वाले कमरे में जूस बनाऊँगी। इधर पंखा चल रहा है तो मैं इधर ही बैठ गई हूँ। तो जूस बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ये भी आपको बता देती हूँ। तो इसके अंदर ले लिया मैंने 1/2 किलो जितना पपीता है साइज तक है, तो ये पपीता ले लिया है। 2 गिलास पहले से ही आ चुकी है पीने के लिए। और जग के अंदर पानी है, ये 1 गिलास दूध ले लिया है। इसके अंदर ले लिया मैंने 4-5 चम्मच चीनी। और ये ले लिया है हैंड ब्लेंडर, तो इनसे बनाऊंगी मैं जूस। तो चलो चलते हैं और बनाते हैं जूस बनाना करते हैं स्टार्ट। इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा पानी। तो ये है थोड़ी सी आइस, तो मैं डाल लेती हूँ गिलास के अंदर। और इसके अंदर डाल देती है मैं ये जूस। और जूस बनके हो गया एकदम तैयार। ये ठंडा ठंडा पी के अभी खाना बनाने में मज़ा आएगा। तो जूस बनके तैयार हो गया है, तो आप लोग भी एक बार जूस बना के, पपीते का जूस बना के ज़रूर पी लीजिए। हमारा जूस तो बनके तैयार हो चुका है। और वाह, मस्त है ठंडा की रेसिपी। जूस वाली कैसी लगी ये आप एक बार ट्राई करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मिलते हैं किसी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।